And I want to begin today's message by telling you a story. A guest speaker was speaking on the subject of missed opportunities. Afterward, a man came up to him and said, I am sorry that you came to speak to us today. The speaker was puzzled and almost offended by what the man said. वो प्रचारक ये सुनकर बहुत उलझन में पड़ गया और उसने अपमानित महसूस किया. Then he continued. फिर उस व्यक्ति ने कहा. The reason I am sorry that you came is because you have reminded me that I have missed God's best for my life. आपके आने से मेरे खेदित होने का कारण ये है क्योंकि आपने मुझे स्मरण दिलाया कि मैंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों को खो दिया ह� for once I felt the call of God to missions. But I thought I first needed to make enough money so I kept on making money. And now I have all the money I will ever need for two lifetimes and yet emptiness. Is my constant companion. My listening friends, this man is not alone. I think many people would testify to the fact. That when opportunities present themselves, they fail to act on these opportunities. Whether it is because of fear or timidity or lack of faith or apathy or whatever the reason may be, they squander the opportunities that God gives them. कायरता विश्वास की कमी या अनुभवहीनता की वजह से हो या कोई भी कारण हो वो उन अवसरों को बर्बाद कर देते हैं जो परमेश्वरों ने देता है परंतु आज खुशखबरी यह है इन नेवर टू लाइट परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में कभी बहुत देर नहीं होती मैं इसे दोहराना चाहता हूँ इट इज नेवर टू लाइट कभी भी बहुत देर नहीं होती गॉड इज इन द फोर गिविजनेस परमेश्वर क्षमा के व्यवसाय में है गॉड इज नॉट ऑनर्ड sit बैक एंड सॉक एंड रिग्रेट परमेश्वर को आपके बैठ कर सुबकने और पछताने से आदर नहीं मिलता Whatever opportunities यू फील यू missed एट ऑन चाहे आपको कोई भी अवसर लगते हों कि आपने खो दिए इट इज late। कभी भी इसमें बहुत देर नहीं हुई होती To be sure, past opportunities may never be repeated in the same way and at the same time or the same place. ये निश्चित है कि अतीत के अवसर कभी भी उसी प्रकार से उसी समय या उसी स्थान में दोबारा नहीं मिलते बच यू कैन बी एज इफेक्टिव इफ यू पिक अप दीस इज एंड मूव फॉरवर्ड परंतु यदि आप उनसे सबक लेकर आगे बढ़े तो आप उतने ही प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं Today's message from the resurrected Christ is to the church in Philadelphia. This message is one of the most delightful messages that believers could hope to receive from Jesus. Jesus was as pleased with these people. नी शू इन लोगों से इतना खुश था जितना वो कभी किसी से हो सकता था sin to chastise सिम for। उन्हें ताड़ना देने के लिए उनमें कोई पाप नहीं है no false teacher to warn them against। कोई झूठे शिक्षक नहीं है जिनसे उन्हें सावधान करने की जरूरत है is no such thing as a perfect church। मेरे मित्र बिल्कुल सिद्ध कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है As long as the churches are made up of people there is only a faithful church or an unfaithful church Jab tak kalisyaen logon se milkar banti hain to ya to ek vishwas yogya kalisya hoti hai ya avishwas kalisya A faithful church is made up of faithful people Ek vishwas yogya kalisya vishwas yogya logon ko milkar banti hai चर्च ऑफ फिलोजिया अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तीन अध्याय के सात से तेरह पदों में फिलदेल्फिया की कलिसिया को दिए गए संदेश को सुनिए फिलदेल्फिया की कलिसिया के दूध को यह लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है जिसके खोले हुए को, को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है उस पूरे क्षेत्र का चौराहा था इट वॉज मेनी टेम्पो ये ढेरों मंदिरों का शहर था आर ऑफ दीप लव फॉर हिज ऑल द ब्रदर किंग सिटी फिलद और ला अटोलस ने अपने बड़े भाई के प्रति गहरे प्रेम के कारण इस नगर का नाम फिलिदेल्फिया रखा जिसका अर्थ है भाईचारे का प्रेम बिकॉज फिलदिया वॉज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एज द गेट वे दस्ट और क्यूँकी फिलिदेल्फिया रीतिबद्ध तरीके से पूर्व का द्वार पथ था द ग्रीक्स यूज

और इसी रीति से पुनरुत्थित मसीह फिलिदेल्फिया की कलिसिया से कह रहा है योर सिटी इज नोन फॉर एक्सपोर्टिंग ग्रीक कल्चर एंड ग्रीक लैंग्वेज टू द वर्ल्ड तुम्हारा नगर यूनानी संस्कृति और यूनानी भाषा को बाकी संसार तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है ना आई हैव ग्रेटर विजन फॉर यू देन ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक कल्चर और ग्रीक फिलासफे अब मेरे पास तुम्हारे लिए यूनानी संस्कृति या यूनानी भाषा या यूनानी फलसफे से भी बढ़कर एक दर्शन है नाउ आई हैव ए है मोर सीरियस मैसेज फॉर यू टू स्प्रेड अब्रॉड अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहीं गंभीर संदेश है जो तुम्हें दूर दूर तक फैलाना है क्राइस्ट ओपन डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी इज द वेरी हार्ट ऑफ दिस मैसेज मसीह के द्वारा अवसर का खुला द्वार इस संदेश का हृदय है कोई एक ऐसा मूल पद है जिस पर ये पूरा संदेश टिका है तो वो है अट्ठारह पद बी होल्ड आई है देखो मैंने तुम्हारे सामने एक खुला द्वार रखा है गॉड ऑल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू शेयर परमेश्वर हमेशा हमें अपने विश्वास के बारे में बताने के अवसर प्रदान करता है द पॉइंट इज मुख्य बात ये है डी यू हैव आईज टू सी इट क्या आपके पास इसे देखने वाली आंखें हैं डी यू हैव द स्पिरिचुअलिटी टू प्रसिव इट क्या इसे महसूस करने के लिए आपके पास आत्मिक भावुकता है डी यू हैव दर्ज टू सीज दुनिटीज क्या आपके पास अवसरों को पकड़ने का साहस है आई यू विलिंग टू वॉक थ्रू दीज ओपन डोर्स क्या आप इन खुले द्वारों से होकर जाने के लिए तैयार हैं The believers in Philadelphia had so many obstacles. They had so many difficulties. And they would have had every excuse for not sharing their faith. But they would not miss God's opportunities.

और इसीलिए यीशु कह रहा है कि क्योंकि तुम मेरे और मेरे वचन के प्रति वफादार हो बिकॉज यू हैव नॉट डिनाइड माई नेम क्यूँकी तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया बिकॉज यू हैव बिनिंग अंडर प्रेशर क्योंकि तुम दबाव में भी उद्यमी बने रहे I am going to give you a unique opportunity to do something great for God. I wonder how many of us really and truly see the opportunities of bringing someone to Christ as an incredible privilege. में

You can at least encourage them to tune in and to listen to this broadcast. कम कम the gospel message is sent through this program by radio and television and the internet to untold millions of people. So, samachar, tak radio, TV internet But you are the one who can tell your friends and neighbors about these opportunities. परंतु वो आप ही हैं जो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इन अवसरों के बारे में बता सकते हैं. Some of you may ask, what part can I play to take advantage of these open doors? आप में से कई शायद पूछेंगे इन खुले द्वारों का लाभ उठाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? And the second question is this. Why are these doors open? और दूसरा प्रश्न ये है ये द्वार खुले क्यों हैं? बिकॉज जीजस हैज दौर क्योंकि द्वार की चाबी यीशु के पास है does that मीन इसका क्या अर्थ है इट the authority हैज ओवर द हार्ट ऑफ किंग्स एंड poor अलाइक इसका अर्थ है कि यीशु के पास राजाओं और निर्धनों के हृदयों पर एक समान अधिकार है That Jesus has the authority over every heart and mind everywhere in the world. And one day, He and He alone will shut these doors. I don't want you to miss what Jesus said.

but alias i will make them come and fall down at your feet and acknowledge that i have loved you मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है what does it mean by saying that those unfaithful jews will come to you यह कहने का क्या अर्थ है कि वो अविश्वास योग्य यहूदी तेरे पास आएंगे इट मीन्स दिस इसका अर्थ यह है दैट योर एनिमीज वुल रिस्पॉन्ड एंड टर्न अवे फ्रॉम विकनेस एंड रिपेंट एंड बिकम बिलीवर्स के तेरे शत्रु प्रत्युतर देंगे और अपनी दुष्टता से मुड़कर पश्चाताप करके विश्वासी बनेंगे टू हैव विक्ट्री इन एनी वॉर फेयर यू मस्ट गो ऑन दें किसी भी युद्ध में विजय पाने के लिए आपको साहसी बनना पड़ता है And it is the same in spiritual warfare. आत्मिक युद्ध में भी ऐसा ही है यू आई होप आई कैन life। आप बस बैठे रहकर ये नहीं कह सकते मैं आशा करता हूँ कि मुझे जीवन में विजय मिलेगी no, you go to and put गो on एंड नहीं आप शैतान के इलाके में जाकर उसे चेतावनी दे यू सही टू हिम सही इन द नेम ऑफ जीजस एंड इन दर ऑफ जीजस एंड इन स्ट्रेंथ ऑफ जीजस आई एम गोइंग टू इन वेड आपको उससे कहना है शैतान यीशु के नाम में और यीशु की शक्ति और यीशु की सामर्थ से मैं तेरे इलाके में प्रवेश करने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू रेस्क्यू perishing। मैं नाश हो रहे लोगों को बचाने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू मैं घायलों को चंगा करने जा रहा हूँ इन Jesus name। यीशु के नाम में We must be committed to taking the gospel of the love of Christ to the enemies of the cross. The second promise here is that when we go through the open doors, when we take advantage of the opportunities that God has given us, we will be protected. जब हम उन अवसरों का लाभ उठाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं तो हम सुरक्षा पाएंगे द आर पीपल हु फॉर प्रोटेक्शन ऑल द टाइम एंड वी शुड कई लोग हैं जो हर समय सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें करना भी चाहिए द आर पीपल हु फॉर प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन एंड वी मस्ट कई लोग हैं जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए द आर पीपल हु प्राइव फॉर दर ओन प्रोटेक्शन एंड दैट्स प्रॉपर कई लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और ये ठीक है बीजस प्रोमिस प्रोटेक्शन फॉर एवरी वन हुबेज हिम परंतु यीशु हर उस इंसान की सुरक्षा का वादा करता है जो उसका आज्ञा पालन करता है लेसन टूअर ही सैड सुनिए जो उसने कहा बिकॉज यू हैव केप्ट माई वर्ड आई विल कीप यू क्योंकि तुमने मेरे वचन को थामे रखा है मैं तुम्हें थामे रखूंगा Because you proclaimed and protected my word from being watered down. की की because you did not compromise, I will protect you from your enemy's attack. Finally, the resurrected Christ, as always, promises several things to those अपॉर्चुनिटी टू शेयर अंत में हमेशा की तरह पुनरुथित मसीह उनसे कई बातों की प्रतिज्ञा करता है जिन्होंने दूसरों के साथ सुसमाचार बांटने के लिए समय दिया फर्स्ट दे विलम फिलर्स इन दल ऑफ गॉड सबसे पहले वो परमेश्वर के मंदिर के खम्बे बनेंगे एज अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी एंड फर्मस एक खम्बा स्थिरता और स्थायीपन का चिन्ह है pillars also represent honor and jesus is saying to the faithful believers that those who do not squander the opportunities god has given them will have eternal honor secondly the person who shares the gospel with others दूसरा जो व्यक्ति दूसरों के साथ समाचार को बांटता है वो उन पर ये का नाम लिखा पाएगाफ्टी सिक्योरिटी एंड ग्लोरी इन दी जरूसलम तीसरी बात वो व्यक्ति स्वर्गीय यरूशलम में रक्षा सुरक्षा और महिमा में रहेगा

but when she got on the train परंतु जब वो रेल पर चढ़ी she spent a great deal of time arranging and rearranging her baggage तो उसने अपने सामान को सही रीति से रखने में काफी समय लगा दिया and then she became preoccupied with adjusting the curtains और फिर वो पर्दों को ठीक करने में मगन हो गई then she got into an argument with another passenger फिर वो एक दूसरे यात्री के साथ बहस करने लगी and just as she was about to sit back and enjoy her ride her station was called out aur jaise hi wo baithne lagi ki apni yatra ka anand le to uske station ka naam pukara gaya she said oh i wasted all of my time doing all these useless things and i missed my life's dream usne kaha oh maine apna sara samay inworth ke kamon mein gowaya aur apne jeevan ke sapne ko kho my listening friend there are so many of us who are preoccupied with this life's superficialities. Until finally our train comes to an end. And then we wonder why didn't we take up the opportunities that God gave us. Remember what I said to you at the beginning of this message. याद है मैंने संदेश के शुरू में आपसे क्या कहा था? Do not waste another moment in regret. पछतावे में एक भी और पल मत गवाइए. Do not waste another moment asking yourself what could have been. अपने आप से ये पूछने में एक भी और पल मत गवाइए कि क्या हो सकता था. Instead, इसके बजाय Arise and go back to the Lord. उठिए और प्रभु के पास वापस जाइए. Ask him to forgive you for missed opportunities. उससे गवा दिए गए अवसरों के लिए क्षमा And ask him to show you new opportunities for the future. और उससे मांगिए कि वो भविष्य के लिए आपको नए अवसर दिखाए। ask him to equip you for the task. उससे मांगिए कि वो आपको कार्य के लिए तैयार करे देन ऑल टमेटलीस किम टू गिव यू दिक्टोरे एज यू इन वेड साइटोरी और फिर अंतता उससे कहिए कि जब आप शैतान के इलाके में प्रवेश करते हैं तो वो आपको विजय दे And until next time, I wish you God's richest blessing.